श्री रमेश चंद्री सैनी सबका मंगल आसन हुआ जो यहाँ से प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अटल जी की थी और गणेश कुमार जैन और जो हमारे इस क्षेत्र के मुख्य मतलब समाज सेवा में जो लगे रहते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स तो समाज सेवा का क्षेत्र है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम रमेश चंद्र सैनी का सबसे पहले मैं आप यहाँ आए आपका स्वागत करता हूँ। अब मीडिया के लिए अपेक्षा रहती है कि एरिया की जो समस्याएं वो दूर हो, समस्याएं दूर हो, समस्याओं की अपेक्षाएं पूरी होती नहीं है। जो भी जब पार्षद के लिए या MLA के लिए अपन चुनाव के लिए भाग लेते हैं तब तो होता है, लेकिन अब आपसे हम चाहते हैं क्षेत्र का चौमुखी विकास हो, समस्याएं दूर हो, यही हमारी अपेक्षा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्या प्राथमिकताएँ रहेगी और आप लोग क्या समझते हैं कि यहाँ कौन सी अभी ऐसी समस्याएं पेंडिंग है जिनका निराकरण तुरंत होना चाहिए, क्योंकि पार्षद तो अपनी पूरी सरकार है, लोकल सरकार है पूरी। तो और आपने क्या देखा, क्योंकि आप तो आजीवन यहीं अपना जीवन बीता है, तो उस हिसाब से समस्याएं भी बताए और उनका निराकरण भी किस तरह से करेंगे और जनता से क्या अपेक्षा करते हैं। आपको एक मंगल उद्बोधन सुना। एक जो पार्षद नगर निगम का होता है ना, वो एक जनता से जुड़ी हुई कड़ी होती है और पार्षद ऐसा होना चाहिए जो नीचे जनता की या क्षेत्र की अपने वार्ड की हर आदमी को सुन सके। अमूमन छोटी छोटी समस्या होती है, एक तो सफाई से संबंधित समस्या, वो MLA साहब को जाके नहीं बोल सकता, विधायक साहब के पास नहीं जाएगा, इनके छोटा प्रतिनिधि पार्षद ही होता है। तो पार्षद ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे उनकी सुविधा समस्याओं को सुने। सफाई मेन मुद्दा मेरा है, सफाई की घर घर डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन उसको मैं थोड़ा दुरुस्त करूँगा, कुछ कमियां हैं, समय पे कचरा गाड़ी नहीं आती है तो व्यवस्था मैं करूँगा, समय टाइम टाइम पे गाड़ी आए, समय पे कचरा उठे। दूसरा पानी की व्यवस्था, एक पार्षद को छोटा एरिया उसके पास होने के खातिर उसको एक नॉलेज होती है कि किस कॉलोनी में पानी की समस्या है, कहाँ पानी पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है, उसको पानी को मैं व्यवस्थित और सूचित करूँगा, निश्चित समय में उसको पानी मिलेगा। फिर आ जाती है रोडों की व्यवस्था। मैं बाढ़ में गया हूँ, कई जगह मेरे को समस्या मिली है। मैं 2004 से 2009 तक पार्षद था, उस टाइम पे मैंने रोडें बनाई थी, आज मैं बाढ़ में घूम रहा हूँ तो मेरे को वही रोडें वापस दिख रही है। मेरे को बड़े दुख और तकलीफ होती है कि 10 साल पीरियड में निकले, 10 साल पीरियड में पार्षद ने जो पीछे के पार्षद थे उन्होंने उसको खैर खबर नहीं ली, दो बार जनता ने पार्षद दे दिए, जनता के बीच में गए ही नहीं, उनकी शिकायतें मेरे को सुननी पड़ रही है, उनका ओणमा भी मेरे को सुनना पड़ रहा है। मैं निश्चित तौर से वार्ड 133 की जनता से वादा करता हूँ कि इन समस्याओं को आपको आगे नहीं झूठना पड़ेगा। पार्कों की बहुत बड़ी समस्या, पार्क मैंने 17-18 पार्क मेरे कार्यकाल में बनाए थे, वो पार्कों का साल संभाल नहीं हो रहा। मेरे कार्यकाल में 1BR कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल बहुत अच्छा बनाया था, उसकी मिनिमम रेट मैंने शादी ब्याह के लिए 1100 रुपये पढ़ना मीजिए मेरे हिसाब से तय कराई थी। उस कम्युनिटी हॉल की ये हालत देखते हुए आज दुख होता है, उसे शीशे नहीं है, गेट नहीं है, उसके लोन की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग बंद पड़ा, तो मैं उसको वापस एक बार जनता के लिए 1BR कॉलोनी जो सामुदायिक केंद्र बनाया है उसको मैं 1100 रुपये में वापस चालूंगा, कम से कम उसमें से आप शादी भी कर सकते हो। बैठक मैंने मेरा उस टाइम के आदेश करा हुए परिणामी से आज भी फाइल में लगे हुए, कोई आदमी बैठक करेगा उसके लिए फ्री व्यवस्था, उसके अंदर कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, 500-1000 आदमियों का बैठने की व्यवस्था। लेकिन जो पीछे पार्षद आए उन्होंने किसी भी पार्षद ने उस कम्युनिटी हॉल के साल संभाल नहीं की, आज उसकी दुर्दशा देखते बड़ी तकलीफ होती है। फिर आती है लाइटिंग की व्यवस्था, मैं लाइटिंग की व्यवस्था मेरे टाइम पे मैंने मर्करी लाइट की सोडियम लाइट की एक एक पोल व्यवस्था थी, किसान मार एक ऐसा मार्ग था जिसमें सकड़ा सा मार्ग था, उस मार्ग को मैंने 30 फुट करवाया, उसमें एक बहुत बड़ा नाला था, उस नाले में मैंने बॉक्स डलवाए, किसान मार्ग से लेकर अर्जुन नगर फाटक तक जो आज पानी की बहुत बड़ी समस्या थी उस पानी की बिल्कुल क्लीन कट होता है क्या नाश। और मेरे कार्यकाल में इमली वाले फाटक से अपने गोपालपुरा बाईपास तक 30 फीट की रोड मैंने करवाई जो खड्डों तक, और अभी भी कहीं कहीं जा रहा हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरी प्राथमिक और पहली समस्या यही रहेगी वार्ड के लिए, एक तो स्वच्छ पानी मिले, साफ सुथरा वार्ड हो, साफ सुथरी रोडें हो और हर मकान के आगे पेड़ हो कहना से। इसलिए मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप इस बार एक बार मेरे को मौका दें, पहले भी मैं पहले पार्षद रह चुका हूँ, एक बार पुनः आप मेरे को मौका दें
निश्चित तौर पे आपकी बातों पे मैं खरा उतरूंगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 तारीख को मतदान है, आप सुबह समय से निकले और कमल के फूल पे बोर्ड लगाए और मेरे को विजयी बनाए, सबका साथ सबका विकास मेरा ध्येय रहेगा। जय हिंद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। देखो जनप्रतिनिधि हमेशा ये सब करते हैं और आपने जैसे अपनी पार्टी के पार्षद के बारे में बताया कि भाई ऐसी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो ये आप निष्पक्ष रूप से बात अपना वक्तव्य दिया, ये इसके लिए तो हम साधुवाद देंगे, क्योंकि अपनी गलती को गलती मानना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि में गलती हुई है तो बाकी तो जनता जानती है कि क्या है, लेकिन अक्सर शिकायत रहती है पार्षद जैसे जीतने के बाद कोई बड़ी समस्या आती है क्योंकि उपस्थित नहीं होते हैं और घर, क्योंकि ये तो पूरा ही, अब जब पार्षद तो क्योंकि अपने एरिए के होते हैं तो जनता तो अपेक्षा करती है, तो हम तो ये चाहेंगे कि जनता की पूरी अपेक्षाएँ खड़ी उतरे और जब आपको कोई घर से निमंत्रण आए, कोई समस्या आए, तो या तो आप उपस्थित हो तो आप खुद आए या फिर आपका प्रतिनिधि आए, इस बारे में आपका क्या? मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम में मैं पार्षद था, मेरे क्षेत्र के अंदर सी एस आई होता है और जो लोकल इंस्पेक्टर होता है उसको मेरी तरफ से बोला हुआ था कि किसी भी आदमी के शादी होती है, ब्याह होता या गमी होती है, गमी के टाइम के उसके घर के आगे मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ आपको पता लगता है, सफाई होनी चाहिए। किसी भी परिवार में शादी होती है, चाहे वो मेरे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो मत देने के बाद में मैं सबका पार्षद हूँ, सबके घर रंगोली होनी चाहिए। और वार्ड नंबर 20 में आप पूछ लो, मेरे कार्यकाल में हर मकान पे रंगोली सफाई होती थी, चाहे गमी हो चाहे खुशी के टाइम हो। और आप बता रहे हो मेरा वार्ड नंबर 20 में मकान है, यहाँ का मैं निवासी हूँ, यहीं से मेरी पैदाइश है, मेरे बारे में आप पूरे वार्ड के अंदर पूछ सकते हो, जो पुराना मेरा वार्ड है ये थोड़ा वार्ड मेरा नया जुड़ा है, अभी भी जो पुरानी कॉलोनियों मैंने संपर्क किया है उस कॉलोनियों के निवासियों ने दिवाली मनाई है, जीतना हारना दूसरी बात है, जैसे मेरे को टिकट मिला उन्होंने कहा दिवाली हमारे घर पे आई है, और उन लोगों के कॉलोनियों के 20-20, 30-30, 40-40 आदमी निकल के मेरा जनसंपर्क किया और प्रचार किया, और ये कह रहे भाई साहब आपको आने की जरूरत नहीं है क्या? नाराज बोले नहीं, मैं जाऊंगा, मेरे कॉलोनी वासियों से मिलूंगा कि कम से कम मेरा चेहरा देखे, वो पहचाने कि कौन है, ये नहीं कि मैं घर बैठा रहूं, मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं, वो बात दूसरी अलग चीज है, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर मकान वाला मेरे को जाने या पहचाने। तो इसका तो मैं आपको फिर कभी 1 तारीख का चुनाव है, 1 तारीख बाद फिर आपसे मिलेंगे, फिर बताएंगे कि हमारा क्या कार्यकाल है, क्या समय है, और मेरे द्वार हमेशा 24 घंटे मिलने की कोई समस्या नहीं, 3 गेट है मेरे मकान के और तीनों गेट खुले रहते हैं, कहना से कभी भी ताला नहीं रहता। पीछे के 2 पार्षद गए मेरे को अफसोस से कहते हुए, एक का पार्षद का जन कांग्रेस का था, दूसरा पार्षद बीजेपी का था, उसके लिए भी मेरे कहते हुए कोई शंका नहीं है, कहना से अलग उस पार्षदों के लोगों ने मकान तक नहीं देखे, मकान तक नहीं दिखाए उन लोगों ने कि हम इस मकान में हम रहते हैं, जनता उनके लिए भटकती रहती थी, मेरे को पावर थे साइन करने के, लोग बाग पेंशन के लिए जो आते थे उनको मैं साइन करके देता था, जो लोग बाग जिनको साइन नहीं करके देते वो तो 20-20 आईडी मांगते थे कि आप कहाँ रहते हो क्या रहते हो, उन लोगों के मैंने साइन किए हैं 12 साल तक क्या नाम से, और 12 साल तक जिनकी समस्या का मैंने निवारण किया क्या नाम से। मेरे को बहुत ही बड़ा अच्छा लगा, सबसे बड़ा जो इनका डिसीजन लगा कि हर घर के बाहर पेड़ लगेंगे, तो ये अपेक्षाएं मैं चाहता हूँ कि आप कब तक पूरी करेंगे तो आप वक्त बताएगा, लेकिन मतलब पार्षद बनते हैं और आपने भी कहा पार्षद बने या न बने, आप जनता के लिए यहाँ के एरिया के लिए समर्पित हैं और हमेशा आपके द्वार खुले हुए हैं, और सबसे बड़ा क्योंकि पर्यावरण का काम तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो पर्यावरण के लिए आपने जो गाधार घर के बाहर पेड़ लगेंगे। अब मैं अपनी बात को विराम देते हैं, श्री बंदला जी खींची जो क्षेत्रीय मेन क्षेत्रीय एक्टिव में कार्यकर्ताओं में दिनेश जी जैन दो लाइन कि क्योंकि ये तो व्यस्त हो जाएंगे, अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो व्यस्त हो ही जाते हैं, मीटिंगों में जाना पड़ता है, कार्यालय में जाना पड़ता है, और तो लेकिन आप लोग इनका साथ सहयोग देंगे तो इनकी जो आज पर्यावरण का कार्य और अन्य बातें तो है ही, जो मेन चीज़ है सफाई वगैरह, तो लेकिन एक पर्यावरण का एक इन्होंने विजन उठाया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा कि आप क्या कंधे से कंधा मिला कि किस तरह से, क्योंकि आप ये पकड़ में जाएंगे तो आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और आज इन्होंने मीडिया के सामने वक्तव्य दिया है, बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि देखो सभाओं में तो सब कुछ बोलते हैं, सभाओं में बोलना अलग बात होती है, लेकिन एक मीडिया के सामने हफ्ते हुए देना अपने आप में रिकॉर्डेड होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो करना ही है, इसका मतलब दो जब से नगर निगम में करीब एक हफ्ते से हमारी लाइट बंद थी, परसों कालीचरण जी आए हैंड टू हैंड लाइट चालू करवाई, और हमें एक हफ्ते से अंधेरे में टेलीफोन करते करते परेशान हो गए, और हमारे सफाई के अंदर जो है आज तक कोई स्वीपर नहीं आता है गली में, और हम इतने दुखी हो रहे हैं जिसका जवाब नहीं। एक हमारे कॉलोनी में पार्क था बहुत बड़ा, उसको छोटा कर दिया कॉलोनी काटने वालों ने, अब आज उसकी कोई व्यवस्था सही नहीं है, ना तो उसके ऊपर कोई लगे हुए पेड़ पौधे, ना उसमें कोई घास लगी हुई है, ना कोई बैठ सकता है उसमें कोई आदमी रखे, और उसकी मतलब पेड़ पौधे वगैरह लगाए विकास करे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हम गेट भी लगाएंगे, कैमरे भी लगाएंगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गणेश जी को। गणेश जी जैन बड़े अधिवक्ता हैं और समाज सेवी भी हैं, दोनों काम है, तो क्योंकि हमारे साथ तो कानून भी मौजूद है, तो ये रिकॉर्डेड हो गया कि क्या होना है, अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये धन्यवाद स्वामी जी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड संख्या 133 में रमेश चंद जी सैनी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये अत्यंत हर्ष और खुशी की बात है कि हम सब इनका सानिध्य पाके बहुत खुश हैं, और मैं आज इस टीवी इंटरव्यू के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि रमेश चंद सैनी जी ने जो अभी आपको आश्वासन दिया है वो पूर्ण होगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, रोड लाइट बनेगी, रोड बनेगी, लाइटों का पूरा व्यवस्था होगी, साफ 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 सफाई पूरी होगी, हर घर के बाहर पेड़ लगेंगे, किसी को कोई भी शिकायत होगी रमेश जी सैनी का द्वार हमेशा खुला रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, वार्ड में तरक्की होगी, खुशी का माहौल बनेगा। धन्यवाद। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो जो गिलोय का है अपनी जो भारतीय गिलोय है जिसने असीम से वो काम किया है बीमारी निवारण में, तो कम से कम गिलोय के पौधे तो हर घर में जहाँ नहीं है वहाँ तो लगवा ही दें आप, और हम तो ये कहेंगे कि भाई आप एक जन पे मतलब आप अपनी अपेक्षाओं में खरा उतरें और जनता को शिकायत नहीं हो, क्योंकि हमारे पास तो दोनों तरह की न्यूज आती है, एंटी और पॉजिटिव, हम तो निष्पक्ष रूप से करते हैं। और कोई आपको अपना स्टेटमेंट देना हो संसद में जनता के प्रति? अभी हम जैसे घूम रहे हैं कॉलोनी में, समस्या है गेट की और कैमरे की समस्या आ रही है, तो विधायक जी ने भी अपनी इस कॉलोनी के आसपास वसुंधरा में सब जगह संपर्क किया, उन्होंने मेरे साथ घोषणा की है कि हर कॉलोनी में गेट हम लगाएंगे और पूरी कॉलोनी में कैमरे हम लगाएंगे विधायक कोटे से के नाम से। तो मैं 5 तारीख का चुनाव है, 3 की काउंटिंग है, जैसे मैं 5 या 10 तारीख को फ्री हुआ तो फर्स्ट जो ज़्यादा जो डिमांड आई है उसकी मैं भाई साहब से लेटर बनवा के DRD में उस लेटर को लगा दूंगा और उसकी प्रक्रिया चालू कर दूंगा के नाम से। मतलब अर्थ ये है कि अगर मानो आपका एक बार 1% आप जीत जीत मतलब आप जीत जाते हैं और पार्षद में तो आप जीत गए जैसे मानिए, और वोट आपका नहीं बनता है क्योंकि 17 कांग्रेस है यहाँ, तो उस स्थिति में क्या होगा क्योंकि ये विधायक कोटे से वगैरह आप करवाएंगे अगर पार्षद बनते हैं? ये क्षेत्र मेजर से जुड़ गया, पार्षद बनने नहीं बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके बाद भी इस क्षेत्र का आदमी कोई मेरे को समस्या बताएगा, उस समस्या का मैं निवारण करूंगा, मेरे बेस पे होगा मेरा करूंगा, और विधायक जी के बेस पे होगा विधायक जी से करूंगा, जिसके लिए मैंने कहा कि कैमरे और गेट विधायक जी घोषणा करके गए हैं, पार्षद बनूं या नहीं बनूं मैं इन लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा, गेट भी इनके लगेंगे और कैमरे भी इनके लगेंगे, उसके बाद भी अगर कोई भी लोग कोई समस्या होगा समस्या का निवारण करूंगा। मैंने बहुत काम किया नगर निगम में, आज भी कोई भगवान की दया से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अधिकारी को किसी को निगम में बोलते तो ना नहीं करता है, किसी भी आदमी का कैसे भी समस्या हो, उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो और कोई समस्या हो, लाइट की समस्या हो, उसका मैं निवारण निश्चित करूंगा, पार्षद बनना या नहीं बनना मेरे लिए महत्व नहीं, मेरा एक लोगों की समस्याओं का समाधान करना मैं मेरा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बेबाक शब्दों में आपने मेरी बात कही और मुझे एक अच्छा लगा कि आपने इतनी सबसे बढ़िया कुछ नहीं, आपने गेट का और सारा सोच लिया, पर्यावरण का सोचा, तो सुरक्षा के लिए गेट भी होने चाहिए, मेरे हिसाब से मैं एक और मांग आपके सामने रख देता हूँ कि जैसे बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं ना तो जैसे गर्मियों के अंदर क्या होता है कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं तो आंख भी पैक हो जाता है, तो मैंने देखा कि सून हो जाती है,
तो सीसीटीवी कैमरे जो होने चाहिए ना वो एक नहीं दो दो तीन तीन क्रॉस में होने चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी चोर बदमाश खराब कर देते हैं। तो हमारी महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये जो सीसीटीवी कैमरे है ना, मैं चाहूंगा कि केवल अपनी कॉलोनी में ही नहीं, अपने एरिया में ही, जहाँ भी आप मिलते हैं अपने प्रतिनिधियों से, अपने मित्रों से, क्योंकि मैंने अशोक गहलोत जी को भी ये डिमांड रखी थी कि भाई सीसीटीवी कैमरे हो, हिडन कैमरे हो, सीसीटीवी कैमरे के साथ छुपे कैमरे भी हो, क्योंकि कैमरे खराब कर देते हैं। तो अपने कैमरे हो, यहाँ से महिला आ रही है, लड़कियाँ आ रही है, वो अगर वो चिल्लाएगी ना कोई नहीं आएगा बाहर, क्योंकि जब तक तो आदमी किडनैप हो जाता है। तो मैं ये तो सबसे बड़ा प्राथमिकता होनी चाहिए, पर्यावरण तो है ही लेकिन मैन महिला सुरक्षा। तो आप ये अगर, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपकी अगर विजय होती है तो आप इसको मॉडल के रूप में सीसीटीवी कैमरे और हिडन कैमरे लगाएं, और तो चाहे विधायक कोटे से कालीचंद जी खिलाफ साहब से करवाएं, कैसे भी करवाएं। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस क्षेत्र से मैं जुड़ चुका हूँ, पार्षद बनना नहीं बनना मेरी प्राथमिकता नहीं है। पार्षद बन गया तो जोर शोर से 4 गुना 20 गुना काम करूंगा, पार्षद नहीं बना तो 40 गुना काम करूंगा। निश्चित तौर पे आपने जो सुझाव दिया है, ऐसी जगह हम कैमरे लगाएंगे जहाँ से कोई अपराधी निकल नहीं पाए, कैनाल से कॉलोनी में लगाएंगे, बीच में ऐसी ऐसी जगह में मेन पॉइंट हम देखेंगे, आपका सुझाव लेंगे, आपसे सलाह मांगेंगे कि जैसे भी कहीं से अपराधी कोई निकल रहा तो कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएगा। आज का विषय है कि हमारे यहाँ कॉलोनी के वासियों के लिए बहुत बढ़िया समाचार है कि सारी चीज़ें पूरी होगी, और मेरे को ऐसी आशा है क्योंकि मैं ज्योतिष आचार्य आलम हूँ कि आपके नेतृत्व में इस एरिया के अंदर काम होंगे, आपके कोटा मिलता है, कालीचंद जी सर आप जी का आपने नाम ले लिया, वो फंड देंगे और ये काम होगा। और जनता के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि भगवान ये सब मांगे हमारी पूरी करवाएं, चाहे किसी पार्टी का बने, लेकिन आप प्रेशर करके करवाएं या खुद करवाएं। नमस्कार।